तो दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और मैं लेके आया हूं यहां पे आपके लिए ग्रुप नेक्सस। तो दिग्विजय, मैं हूं दिग्विजय। 2 hours later। तो दोस्तों, मैं आया हूं, अब सही था ना, मैं लाया हूं। 7 hours later। Presence of grown excess, just grown, फिर मैं भूल गया। ये चलो तो फिर शुरू करते हैं कुछ तड़कता भड़कता नया मजेदार। आज हम सबके पास क्या चीजें हैं? नहीं बताऊंगा, बताओ ना। अक्सर हम सब यूज करते हैं, हमेशा हमारी लाइफ में रहता है, क्या है वो? ईयरफोन्स हैं। हम ईयरफोन क्यों यूज करते हैं कोई नहीं जानता, बस यूज करना है। क्यों? कोई ईयरफोन लेके चल रहा है, कोई ईयरबड्स लेके चल रहा है, या कोई कुछ भी करते चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम ईयरफोन्स की सबसे ज्यादा यूटिलिटीज कहाँ करते हैं, या लोग सबसे ज्यादा ईयरफोन्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या कारण है कि लोग सबसे ज्यादा ईयरफोन्स लगा के वर्कआउट करते हैं? वर्कआउट करते समय क्यों हम ईयरफोन्स लगाकर ही अपना वर्कआउट करना चाहते हैं? जिम में हमारे पास बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, लेकिन नहीं, हम उसका मजा नहीं लेते हैं, हम अपने ईयरफोन्स लगा के वर्कआउट करते हैं। मैं हूं दिग्विजय और मैं लाया हूं आपके लिए ऑल न्यू एपिसोड्स ऑफ ग्रूव नेक्सस प्रेजेंट्स जस्ट ग्रूविन। हम में से कुछ लोग ट्रैवल करते समय या फिर मेट्रो में जाते हुए, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए म्यूजिक को ही पसंद करते हैं, या म्यूजिक को ही अपना साथी जरूर चुनते हैं, चाहे भले उन लोग के साथ 10 लोग हो, लेकिन नहीं, वो लोग म्यूजिक को ही सुनते हैं। दूसरी ओर हम में से कुछ लोग वर्कआउट करते समय जिम में ईयरफोन्स लगाकर ही बस गाने सुनते रहते हैं और वर्कआउट करते रहते हैं। आमतौर पर इंसान जब बोर होता है या कुछ बुरा फील करता है या कहीं बुरा महसूस होता है, तो वो अपने दिल को बहलाने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए वो म्यूजिक को ही चुनता है। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं वर्कआउट करते समय या एक्सरसाइज करते समय लोग क्यों गाने सुनना पसंद करते हैं या क्यों गाने सुनते हैं। म्यूजिक सुनते हुए वर्कआउट करने पर आपकी बॉडी पर अलग ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि तेज तर्रार म्यूजिक एथलीट्स के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। At which he won 14 gold medals. जब आपके म्यूजिक में बेहतरीन बीट्स होते हैं, तो वो आपके परफॉर्मेंस को करने में सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति म्यूजिक सुनते हुए किसी प्रकार की एक्सरसाइज करता है, तब एक रिदम से वो अपने वर्कआउट में बदलाव लेके आता है और अपने आप में अधिक क्षमता को महसूस करता है। ऐसा करने से उसे पता भी नहीं चलता और वो अपने एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूस करते हुए प्रतिदिन के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है। एक बेहतरीन म्यूजिक आपके अंदर ऊर्जा के संचार को बढ़ाकर आपके अंदर एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। वर्कआउट करते समय आपका ध्यान वर्कआउट पर ही होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से आपको वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन क्या करें, लड़कियां भी तो जा रही हैं, उसको भी देखना है और भैया की बॉडी को भी देखना है, तो हम वो भी नहीं छोड़ सकते। हमें अपना वर्कआउट करते समय इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमारी बॉडी पे बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। और हाँ, इससे हम अपने वर्कआउट पे फोकस भी कर पाते हैं। कभी कभी जिम वाले ट्रैक्स हमें समझ नहीं आते, क्या करें यार, हम तो यूपी वाले लौंडे हैं ना, तो अब क्या करें? इसके लिए हेडफोन्स लगाओ और मस्त हो जाओ। जिम में वेट लिफ्टिंग या काउंटिंग के समय आने वाले ट्रेनर्स का Wait.
इससे बचने के लिए आप अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल करिए और अपने मनचाहे गाने को सुनते रहिए और अपने वर्कआउट को, अपनी बॉडीज को बनाते रहिए। इसी बात पे, आप किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर वो जिम हो, ऑफिस हो या आपका फ्री टाइम हो, म्यूजिक आपको सुकून देगा। So friends, don't let your mind bully your body. Stay hydrated and keep grooving. तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, प्रणाम। पहली फुर्सत में निकल।